होम्योपैथिक दवा और रसायन को मिला करके, चीनी को जला करके, ये विदेशी शराब टाइप का भी अंग्रेजी शराब का रैपर लगा करके और फॉर सेल इन यूपी ओनली का मुहर लगा करके बेचा करता था। होम्योपैथिक दवा एवं रसायन को उत्तर प्रदेश में शराब का निर्माण करके आपूर्ति की जाती थी। ये जो राजेश सिंह है वो हरियाणा में पूर्व में कंपाउंडर का काम करता था, एक जिसमें कि स्प्रिट का ज्यादा प्रयोग होता है, और उसी दौरान इसको जो है होम्योपैथिक दवा से, इसके रसायन से शराब किस प्रकार से बनाया जा सकता है इसको इसने सीखा था। तो राजेश सिंह जो है वो ही इस चीज को मंगवा करके और उस खुद जो है गुरु सीखा हुआ था और लोगों को सिखा करके भी उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है और लोगों से इसको बनवाता था। इस प्रकार के होम्योपैथिक दवा और रसायन के सैकड़ों खाली बोतल और बचे हुए स्वयं भी जो है शराब वितरण करता था और उस शराब को पी करके स्वयं भी बीमार था। छपरा में जहरीली शराब पीकर मरने वाले लोगों को लेकर छपरा पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। छपरा पुलिस ने बताया है कि जो आरोप थाने पर लग रहा था उस केमिकल से नहीं, बल्कि शराब तो किसी अन्य केमिकल से बनी थी। छपरा पुलिस ने जो खुलासा किया है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके गिरफ्तारी के बाद अब यह बातें साफ हो गई है कि छपरा में जो केमिकल का इस्तेमाल किया गया था उसे हम दवाई कहते हैं। होम्योपैथिक दवाई के इस्तेमाल के लिए जिस पदार्थ का, जिस केमिकल का इस्तेमाल डॉक्टर करते थे, उसी केमिकल से छपरा में जहरीली शराब बनाया गया था और इसी शराब का सेवन कर टेस्टिंग करने के दौरान ही शराब के कारोबारी भी बीमार पड़ गए और जब वो अस्पताल गए, पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि जो शख्स बीमार है वो खुद शराब के कारोबार में जुटा हुआ है। पुलिस ने पूछताछ की तो एक एक राज से पर्दा उठ गया, खुलासा हो गया कि छपरा में मौत का जो तांडव हुआ उसके जिम्मेवार कौन है, आखिर इतनी मौत कैसे हुई। दरअसल छपरा में अवैध शराब के कारोबार करने वाले इतने प्रोफेशनल थे कि वो उत्तर प्रदेश से होम्योपैथिक दवाई मंगाते थे। होम्योपैथिक दवाई बनाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल होता था उसी केमिकल से शराब कैसी बनाई जाए, इस पर उन्होंने PhD कर रखी थी, सीख रखा था कितने ml केमिकल में कितना शराब बन सकता है, इसके आप पूरा ट्रेनिंग हुआ था। जो इसका मास्टरमाइंड है वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को इसकी पूरी ट्रेनिंग दी थी और फिर जाकर शराब का वो खेल शुरू हुआ जिससे कई लोग काल के गाल में समा गए। अब सारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और छपरा में हुए मौत का खुलासा कर दिया है। जो बोतलें आप देख रहे हैं, जो कार्टून में भर भर के ये बोतलें आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है, और पुलिस के साथ काले कपड़े से चेहरा ढके हुए जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही साथी हैं। इनकी साजिश ने कई लोगों को मौत के कगार पहुंचा दिया तो कई लोगों की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। ये वही षड्यंत्र करता है, ये वही साजिश करता है, ये वही लालची इंसान है जिन्होंने लालच में लोगों की जाने ले ली। जिस केमिकल का इस्तेमाल दवा के लिए होता था, इन शैतानों ने उसका इस्तेमाल जहर के लिए कर दिया। देखिए सारण के पुलिस के पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं कि कैसे इस कांड का उद्भेदन हुआ और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया था, केमिकल से कैसे जहर बनाई गई थी, कैसे दवा के नाम पर शराब बिक रही थी, कैसे दवा के लिए केमिकल मंगाया जा रहा था और अब उस रसायन का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जा रहा। नेतृत्व में SIT गठित की थी जिसमें DSP हेडक्वार्टर सहित कुल 34 पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया था। इसमें हम लोगों ने इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया है और इस कांड के मुख्य जो मास्टरमाइंड था वो राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर के नाम से वो प्रसिद्ध है। उसके अन्य सहयोगी जो कि शैलेंद्र राय जो सप्लायर है, सोनू गिरी, संजय महतो, अर्जुन महतो को गिरफ्तार किया गया है
इससे पूर्व भी इस कांड में 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसके संदर्भ में जो तथ्य सामने आए हैं अभी तक के अनुसंधान में वो इस प्रकार है कि संजय सिंह द्वारा विभिन्न होम्योपैथिक दवा एवं रसायन को उत्तर प्रदेश एवं अन्य जगहों के उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से सारण जिला में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एवं अन्य माध्यम से भी फर्जी नाम पता पर मंगवाया जाता है तथा इससे शराब का निर्माण करके आपूर्ति की जाती थी। इसके पास से जिस जगह से ये मंगवाते थे वहां से चीजें हमें सामने आई है, साथ ही साथ जिस गाड़ी से जिस स्कॉर्पियो से ये माल को पहुंचाते थे और जिन व्यक्तियों के साथ मिलकर के इस कार्य को करते थे उन सभी की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही साथ ये जो राजेश सिंह है वो हरियाणा में पूर्व में कंपाउंडर का काम करता था, एक जिसमें कि स्प्रिट का ज्यादा प्रयोग होता है और उसी दौरान इसको जो है होम्योपैथिक दवा से इसके रसायन से शराब किस प्रकार से बनाया जा सकता है इसको इसने सीखा था। तो राजेश सिंह जो है वो पूर्व से जो यहाँ पर स्प्रिट चेन था उसमें अपने स्वयं के द्वारा जो इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, स्वयं के द्वारा जो ये तकनीक खोजा था, तो इसने होम्योपैथिक दवा से शराब बनाना शुरू किया और उसी सप्लाई चेन में ये अपने आप को इस शराब को प्रविष्ट कर दिया, सूचनाओं को भी इसमें डाला और उसके बाद हम लोगों ने इसके निशानदेही पर इन होम्योपैथिक दवा और रसायन जो कि 450 ml के बोतलों में अभी हमें प्राप्त हुआ है उसको हम लोगों ने जब्त किया। फिर उसके सप्लायर को और किस किन लोगों के द्वारा इसमें थे वो उनको हम लोगों ने पकड़ा। इसमें जो मुख्य सरगना है वो आप जानते हैं कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि राजेश सिंह है, तो राजेश सिंह जो है वो ही इस चीज को मंगवा करके और उस खुद जो है गुर सीखा हुआ था और लोगों को सिखा करके भी उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है और लोगों से इसको बनवाता था। इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि जब इनको जानकारी हुई कि लोगों की मृत्यु हो रही है तो इन्होंने खुद भी वहां पर जाकर के उसके घर पर जहां जहां पर इन्होंने डिलीवर किया था और जहां पर ये बनाया गया था चिन्हित किया कि यहां पर वो है कि नहीं, तो पता चला कि वो फरार है। उसके बाद इसके द्वारा ये भी पता लगाया गया कि वो वहां से जो माल बना हुआ माल था वो लेकर के भी एक बोलेरो गाड़ी से कहीं निकल गया है और बाद में वो बोलेरो गाड़ी भगवानपुर हाट थाना सिवान में बरामद हुआ है, पुलिस को द्वारा जब्त किया गया। इस प्रकार भगवानपुर थाना हाट थाना जो है सिवान का वहां भी कुछ लोगों के बीमार होने और मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी तो उसको भी इसके द्वारा ही शराब इसी सप्लाई चेन का शराब दिया गया था और जिस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था उसकी भी पहचान हो गई है। तो इस प्रकार आप देखें तो इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया है, उद्भेदन हो गया है और पूछताछ के क्रम में जो ज्ञात हुआ कि ये पूर्व में राजेश सिंह होम्योपैथिक दवा और रसायन को मिला करके चीनी को जला करके ये विदेशी शराब टाइप का भी अंग्रेजी शराब का रैपर लगा करके और फॉर सेल इन यूपी ओनली का मुहर लगा करके बेचा करता था, जिसको अभी भी लोगों को राजेश सिंह के सहयोगी जो है मिलावटी शराब के सेवन से बीमार हुए थे संजय महतो उसकी गिरफ्तारी उसके बारे में हमें जानकारी हुई और उसके निशानदेही पर इसवापुर थाना क्षेत्र के डोयला गांव से जहां पर की मृत्यु सबसे पहले कारित होने की बात सामने आई थी से विभिन्न प्रकार के होम्योपैथिक दवा और रसायन के सैकड़ों खाली बोतल और बचे हुए दवा भी है रसायन भी है जिसको बरामद किया गया है और इसके निशानदेही पर जो बरामदगी हुई है उन सभी दवा का रसायन का हम लोग FSL विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL से हम लोग जांच उसको करवा रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे नेटवर्क में जितने लोग शामिल हैं पीने वाले से लेकर के जहां से हमने यह अनुसंधान प्रारंभ किया जो बीमार हुआ था वहां से पूछताछ करते हुए जहां से ये सप्लाई हुआ था वहां तक के पूरे नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर लिया गया है, एक एक व्यक्ति जो इसमें संलिप्त है उसको चिन्हित कर लिया गया है और गठित SIT के द्वारा मानवीय एवं तकनीकी के बेहतर उपयोग से प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर इस कांड का उद्भेदन भी किया गया है और शेष बसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर घटनाक्रम इसी प्रकार है, विस्तृत जो है प्रेस नोट में दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम लोगों ने इस कांड का सफल उद्भेदन किया है। इसमें मुख्य रूप से जो संजय महतो है वो जो है हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई अनुसंधान के दौरान कि वो स्वयं भी जो है शराब वितरण करता था और उस शराब को पी करके स्वयं भी बीमार था और बीमार के दौरान वो जो है सदर अस्पताल में इलाज कराया था और एक स्थानीय यही छपरा में एक स्थानीय अस्पताल में भी उसकी इलाज हुई थी, उसके बाद वो अपने घर गया था। उसके बाद उससे पूछताछ